सो व्हाट्सअप गाइस, आज भाई फिर से आपको न्यू तरीके का फोटो एडिटिंग ला चुका हूँ आपके लिए। एकदम खतरनाक तरीके का भाई, महाकाल फोटो एडिटिंग आज मैं सिखाने वाला हूँ भाई। एक नहीं भाई, दो दो फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ भाई। एकदम न्यू तरीके का फोटो एडिटिंग आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का मैंने फोटो एडिटिंग किया है। बेहतरीन तरीके का भाई फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। एकदम भाई HD हाई क्वालिटी का जो हम लोगों का फोटो एडिटिंग होने वाला भाई, कुछ इस तरीके का भाई फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे भाई, आप सैंपल फोटो हम लोगों का कुछ इस तरीके का है। एंड भाई हम लोगों का जो एडिट फोटो है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके का, लाजवाब तरीके का हम लोग का फोटो एडिटिंग हुआ है। तरीके का भाई फोटो एडिटिंग मैं हर दिन लाता रहता हूँ अपने चैनल पे भाई। न्यू तरीके का फोटो एडिटिंग मैं आपको सिखाता रहता हूँ। सो अगर फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको भाई हर तरीके का न्यू ट्रिक का भाई फोटो सीखने को मिलता रहेगा। हर दिन न्यू ट्रिक आपको सिखाता रहूंगा। तो भाई वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। एंड भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड भाई वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी पूरा सेटिंग समझ पाएंगे एंड मेरे जैसा फोटो कर पाएंगे। तो भाई आपको अपने सैंपल फोटो यार शेयर कर लेना है आपको पहले तो स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, हम लोगों फोटो को यार शेयर कर चुके हैं, देख सकते हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। एंड भाई आप साइड में आप देख सकते हैं टूल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड भाई आपको ट्यून इमेज दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड भाई आपको सीधे नीचे पहले आ जाना है। एंड भाई आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन तीसरे नंबर पर। एंड भाई सॉल्यूशन को आपको कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है, आपको भाई 23 कर लेना है। एंड भाई ऊपर थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कर लेना है, अपने फोटो के हिसाब से आप कर लीजिएगा। ब्राइटनेस में भाई 47 कर दिया। एंड भाई इतना करने के बाद आपको भाई सही का ट्रिक लगा लेना है। एंड भाई आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हैं भाई हम लोग का फोटो कुछ क्वालिटी आ चुका है। एंड भाई इतना करने के बाद अपने फोटो को यार शेयर कर लेना है आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फाइनली फ्रेंड ने फोटो को हम शेयर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड भाई आपको सीधा आ जाना है लाइट में। एंड लाइट में आने के बाद आपको भाई हल्का सा आपको वाइट सिर्फ बढ़ाना है मेरे भाई, आपको कुछ इस तरीके से 8 भाई वाइट बढ़ा लेना है। एंड भाई कलर में आ जाना है। एंड भाई नीचे आना है। एंड भाई आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन, एंड हल्का सा आपको बढ़ाना मेरे भाई, आपको कुछ इस तरीके से 8 बढ़ा लेना है। एंड इतना करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा कोने में मिक्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड भाई आपको आ जाना है ऑरेंज वाला ले लेना है। एंड भाई सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से माइनस कर लेना है 50। एंड भाई ल्यूमिनेंस जो है आपको कुछ इस तरीके से प्लस कर लेना है 38। एंड इतना करने के बाद भाई ह्यू आपका कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है 20 कर लेना। एंड भाई आपको रेड वाला ले लेना है। एंड भाई इसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है 100 कर लेना है। एंड इसका ल्यूमिनेंस भी आपको कुछ इस तरीके से बढ़ाकर 100 कर लेना है। एंड ह्यू है इसे भी आपको कुछ इस तरीके से माइनस कर लेना है 55। एंड मेरे भाई इतना करने के बाद आपको भाई आ जाना है येलो में। एंड इसका जो है ह्यू आपको कुछ इस तरीके से प्लस कर लेना है, एंड सॉल्यूशन भी आपको प्लस कर लेना है। सो फ्रेंड इतना होने के बाद अपने फोटो को यार इस तरीके से यार आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड भाई सेव टू डिवाइस पे आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद भाई अपने फोटो को आपको शेयर कर लेना है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस अपने फोटो को हम लोग शेयर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ऊपर दिख रहा होगा आपका सेटिंग, एंड इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड लाइब्रेरी में आपको दिख रहा होगा बहुत सारा कमाल कमाल तरीके का ब्रश मेरे भाई, आपको थोड़ा सा आपको इधर नीचे आ जाना है। एंड भाई आपको ये वाला ब्रश आपको ले लेना है। एंड इसका सेटिंग आप देख सकते हैं, साइज आपको अपने हिसाब से रखना है जितना आप रखना चाहते हैं। एंड भाई आपका फ्लो को जिस तरीके से आपको कम कर लेना है 5। एंड भाई इसका स्ट्रेंथ जो है 4 कर लेना है। एंड भाई आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस को जूम कर लेना है। एंड भाई कुछ इस तरीके से आपको चलाना है हल्के हाथों से, मेरे भाई चलाएगा तो काफ़ी कमाल तरीके का आपका जो है फेस स्मूथ होगा। सो भाई मैं कुछ इस तरीके से अपना फेस स्मूथ कर लेता हूँ। सो मेरे भाई आपको कुछ इस तरीके से ब्रश चलाना एंड एकदम भाई मस्त तरीके से भाई, इससे आपका जो है फेस स्मूथ होगा भाई एकदम HD हाई क्वालिटी का। एंड जो है भाई हम लोग देखिए कितना कमाल तरीके का जो है हम लोग रेड टोन हम लोग अपने फेस पे अप्लाई कर चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर से, जिससे भाई हम लोग का काफ़ी कमाल तरीके का हम लोग का फेस लगने लगेगा। जिससे भाई थोड़ा सा हम भाई साइज बढ़ा लेते हैं। एंड इस तरीके से भाई आपको चलाना है रेड भाई, जो टोन हम लोगों का अप्लाई हो चुका है। एंड भाई इससे बहुत ही हम लोगों का फोटो बेहतरीन तरीके का लगता है रेड टोन अप्लाई होने से, आप देख ही सकते हैं हम लोगों का रेड टोन अप्लाई हो चुका है तो कितना कमाल तरीके का लग रहा है। सो कुछ इस तरीके से भाई आपको स्मूथ कर लेना है। वीडियो को भाई मैं ज़रा फास्ट कर देता हूँ, जिससे भाई आपको कम से कम समय में आपको फोटो एडिटिंग सिखा सकूँ। सो फ्रेंड हम लोग फेस काफ़ी कमाल तरीके का स्मूथ कर चुके हैं। एंड भाई सेटिंग आपको दिख रहा होगा एंड लाइब्रेरी दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको ऊपर आ जाना है। एंड भाई
यहाँ से आपको दिख रहा होगा भाई मीडियम ब्रश, ये वाला क्लिक कर लेना है। एंड भाई सेटिंग आप देख लीजिए, साइज अपने हिसाब से रखिएगा, ऑपसिटी 100 ले लीजिएगा। एंड भाई आपको इधर दिख रहा होगा लेयर, इस पर क्लिक करना है एंड प्लस पे क्लिक करके प्यारा से एक लेयर बनाकर आपको भाई नॉर्मल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके एंड भाई सॉफ्ट लाइट आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड इतना करने के बाद भाई अपना होठ आपको कुछ इस तरीके जूम कर लेना है एंड इस तरीके से आपको कुछ चला लेना है, जिससे भाई हम लोगों का कुछ एकदम ओसम तरीके का हम लोगों का फोटो लगने लगे। सो आप देख सकते भाई हम लोग अपने फोटो भाई जो है होठ पे काफ़ी कमाल तरीके का रेड कर दिए हैं, जिससे भाई हम लोगों का फोटो एकदम ओसम तरीके का लग रहा है। एंड भाई इतना होने के बाद ऊपर दिख रहा होगा कोने में 3 डॉट, इस पर क्लिक करके आपको गैलरी क्लिक करना है एंड सेपरेट स्केच कर लेना है। हम एक बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं भाई, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। सो भाई आपको एड फोटो में आ जाना है एंड जो हम लोग फोटो एडिट किए उस फोटो को आपको ले लेना है। सो फ्रेंड जो हम लोग फोटो एडिट किए उस फोटो को हम ले लिए एंड भाई इस फोटो को हम लोगों को PNG बनाना है। सो आपको कट आउट दिख रहा होगा कैंची का निशान, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड ऊपर से आपको कैंसिल करना है एंड आपको आउटलाइन दिख रहा होगा, आपको आउटलाइन पे क्लिक करके एंड भाई आपको कुछ इस तरीके से चला लेना है एंड अपने फोटो का भाई आपको PNG बना लेना है। सो भाई इस तरीके को मैं चलाकर PNG बना लेता हूँ। सो भाई अपने फोटो का हम लोग PNG बना चुके हैं एंड भाई आप देख सकते हैं कुछ पार्ट्स जो है इरेज हम लोगों को करना पड़ेगा, जो ख़राब पार्ट्स आ चुका है तो भाई मैं इरेज कर लेता हूँ, जिस तरीके से भाई इरेज कर लेता हूँ वीडियो को ज़रा फास्ट करके एंड भाई इरेज कर देता हूँ, जिससे भाई आपको कम से कम समय में आपको फोटो एडिटिंग सिखा सकूँ। सो भाई हम लोग खराब पार्ट्स इरेज कर चुके हैं एंड इतना करने के बाद आपको सही का ट्रिक लगा लेना है एंड अपना फोटो का PNG बन जाएगा। सो भाई अपने फोटो का लोग PNG बना चुका है एंड भाई कुछ खराब पार्ट्स फिर से आ चुका है, सो आपको इरेज कर लेना है ऊपर क्लिक करके एंड भाई कुछ पार्ट्स आपको दिख रहा होगा इरेज वाले क्लिक करके भाई हार्डनेस बढ़ा लेना एंड साइज कम करके आपको कुछ इस तरीके से आपको चला लेना है जो भी खराब पार्ट्स आ जाएंगे। सो भाई मैं चला लेता हूँ, खराब पार्ट्स इरेज कर देता हूँ। सो फ्रेंड हम लोग खराब पार्ट जो है भाई इरेज कर चुके हैं भाई, आपको कुछ इस तरीके से अपने फोटो को एडजस्ट कर लेना है एंड भाई आपको सही का ट्रिक लगा लेना है। एंड इतना करने के बाद मेरे भाई आपको इधर आ जाना, साइड में टूल दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड स्ट्रेच दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है एंड स्ट्रेच पर आपको क्लिक करके एंड इसका पावर आपको कुछ इस तरीके से 11 कर लेना है एंड इसका साइज आपको बढ़ा लेना है एंड कुछ इस तरीके से हम लोगों का देख सकते हैं बाल भाई हम लोग का छोटा है, कुछ इस तरीके से हम लोगों को बड़ा कर लेना है। मेरा भाई बाल छोटा है तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, अगर आपका बाल बड़ा होगा तो रहने दीजिएगा, सबको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है बाल। यहाँ से भाई बाल बड़ा होता है जो कि आप कर पाएंगे अगर आपका बाल छोटा है तो, आपको इतना करने के बाद मैंने भाई आपको सही का ट्रिक लगा लेना है एंड भाई इतना करने के बाद भाई आपको इधर आ जाना है एड फोटो में एंड मैं एक शैडो यूज करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से इसे ले लेना है एंड इरेज कर लेना है आपको। इसका आपको भाई जो है हल्का हल्का आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम लोगों का महाकाल फोटो एडिटिंग काफ़ी कमाल तरीके का मेरे भाई हो चुका है, एकदम बेहतरीन तरीके का हम लोग फोटो एडिटिंग कर दिए हैं। आपको जैसा मैंने थंबनेल में दिखाया था मेरे भाई, उस तरीके का भाई मैं फोटो एडिटिंग आपको दिखा दिया हूँ करके, काफ़ी बेहतरीन तरीके का हम लोगों का फोटो एडिटिंग हो चुका है। सो भाई मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भाई इस तरीके का न्यू तरीके का भाई फोटो एडिटिंग एंड न्यू ट्रिक भाई आपको मैं इस चैनल पर अपने बताते रहता हूँ।